What's up? Welcome back to my channel. It is a very 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 lovely morning for me. Time हुआ है तकरीबन 10:30 और मेरी flight है और मैं कर रही हूँ travel. मैं जा रही हूँ Delhi. तो बहुत सारे reasons हैं मुझे इस बार Delhi जाने पे खुश होने के. उसका पहला reason ये है कि मुझे YouTube ने invite किया है, उनकी एक workshop हो रही है वो attend करने के लिए. दूसरा reason जो actually इससे भी बड़ा और बेहतर reason है, लेकिन वो थोड़ा पर्सनल लेवल पे है, वो ये है कि मैं जा रही हूँ 5 दिन के लिए. 5 में से 1 दिन और 1 रात जो है वो मैं रहने वाली हूँ अपने ससुराल में. और इसमें और ज्यादा खास बात यह है कि मैं अपने ससुराल पहली बार जा रही हूँ, जिंदगी में पहली बार. Hi guys. उसका रीजन मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं शादी के 2 साल हो गए हैं लेकिन मैं आज तक अपने ससुराल क्यों नहीं गई हूँ. मोस्ट ऑफ यू वुड नो, अगर आप लोगों ने मेरा क्वेश्चन आंसर्स वाला राउंड और ये सब कुछ देखा है, तो पहले जब हमारी शादी हुई थी तब कमल के मम्मी वॉज नॉट रियली हैप्पी विद आर यूनियन. तो वो कारण था कि वो शादी पे नहीं आए थे, उस कारण से तब तो जाना हुआ ही नहीं ससुराल. हमने शादी कर ली, पापा आए थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और वो चले गए. उसके बाद एक बार मम्मी आए, फिर फाइनली मम्मी मुझे बहुत पसंद करने लग गए और फिर मम्मी दोबारा आए और फिर बीच में हम लोगों ने प्लान किया, मम्मी ने हमें बुलाया कि तुम लोग आओ घर. और ये बात है पिछले साल की, हम लोगों ने अपनी टिकट्स बुक करी, हम लोग अपना जाने का पूरा प्लान था, सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा काम का प्रॉब्लम हो गया कि मैं फाइनली नहीं जा सकी. और इस बार हम लोगों ने प्लान किया है कि हम दिवाली, करवा चौथ सब कुछ वहीं मनाएंगे, लेकिन वो अभी टाइम आना था और उससे पहले मेरा काम आ गया. तो ऑब्वियसली अब मैं दिल्ली जा रही हूँ तो पहले मैं मम्मी और पापा से मिलूंगी. तो मैं पहली नाइट जो है उनके घर पे रुक रही हूँ और बाकी 3-4 दिन और हूँ मैं दिल्ली में, तब मैं उनके यहाँ पे नहीं रुक रही हूँ. बिकॉज उसके रीजन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा. और बाय द वे यही रीजन है कि मैंने सूट, बिंदी, लिपस्टिक सब पहन के मैं फ्लाइट में ट्रेवल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है सीधा ससुराल में. और ऑल्सो पापा जो मेरे ससुर जी हैं वो आ रहे हैं मेरे को एयरपोर्ट पे लेने, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. सो ऑब्वियसली अगर मैं उन लोगों को मिलने वाली हूँ तो मैं पहले ही ऐसे बहू के अवतार में निकलने वाली हूँ कि उनका दिल जो है वो बस खुश हो जाए. और पापा मेरे व्लॉग्स देखते हैं बाय द वे. सो क्या आप मुझे मिस करोगे? जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, आ गई. बहुत मिस कर रहा हूँ. Yeah, right. I get it. Even my subscribers got it. It's okay. पहुंच गए हम. ओके, हम लोग एक्चुअली थोड़ी सी हरी में हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास. तो मैं जल्दी से चेक इन वेक इन करके ना फिर ही आप लोगों से आराम से बात करूंगी. ये मेरी 5 दिन की पैकिंग है बाय द वे. हाँ, फाइनली आई मेड इट ऑन टाइम. आई एम ऑल्सो लिटिल हंग्री, मैं ब्रेकफास्ट करके निकली हूँ, बट थोड़ी सी हल्की सी भूख है तो उसके लिए आई जस्ट ऑर्डर्ड कॉफी. एंड आई हैव टू टेल यू द स्टोरी ऑल्सो दैट वाई आई एम नॉट स्टेइंग एट माई इन लॉज प्लेस फॉर ऑल द 4-5 डेज दैट आई एम इन दिल्ली. सो आई थिंक आई विल ग्रैब माई कॉफी एंड आई विल टेल यू नाउ इट्स सेल्फ. Okay, I got my coffee. So the reason I am not staying at my in-laws place for those 4 days is purely because I am going there for work and I'll be busy with so much work there every day that मुझे ऐसा लगता है that मैं सुबह सुबह उठूंगी, ready होंगी और निकल जाऊंगी काम पे. Because I'll have to do a lot while I'm in Delhi. I have to create some really cool, a lot of videos for YouTube. So I feel अगर मैं वहाँ पे रहूँगी और मैं सुबह सुबह उठूँगी और मैं बोलूँगी अच्छा ओके मम्मी मैं रेडी हो गई हूँ मैं जा रही हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर मैं वहाँ पे जाऊँगी तो यू नो आई शुड रियली गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्पेंड सम टाइम विद देम एंड मे बी हेल्प माई मदर इन लॉ कामों में, किचन के. बट आई नो आई वोंट बी एबल टू डू दैट. सो आई डू नॉट
नॉट वॉन्ट कि मैं पहली बार जा रही हूँ और उन लोगों को ऐसे लगे कि यार आई आती थी रात को लेट काम से आती थी, सुबह तैयार होती थी और निकल जाती थी. सो आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ रुक रही हूँ. इस बार मैं हॉस्टल में नहीं रुक रही हूँ. आप बताओ मुझे, आप लोगों को क्या लगता है, मुझे अपने इन लॉज के यहाँ पे रुकना चाहिए था? क्या मैंने गलत डिसीजन लिया या फिर मैंने सही डिसीजन लिया उनके यहाँ पे ना रुक के? आप होते मेरी जगह तो क्या करते? सो गाइस, आई जस्ट बोर्डेड द फ्लाइट एंड सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है मेरे साथ फ्लाइट में, दैट आई कैन नॉट स्लीप. नो मैटर हाउ स्लीपी आई एम, हाउ टायर्ड आई एम, आई जस्ट कैन नॉट डोज ऑफ. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू फॉर द नेक्स्ट 2 hours बिकॉज माय फोन इवन डजंट हैव अ लॉट ऑफ बैटरी एंड आई एम नॉट कैरिंग एनी पोर्टेबल चार्जर. सो आई हैव टू सेव माई बैटरी बिकॉज आई टू गेट इन टच विद माई फादर इन लॉ एंड देन यू नो टेल हिम एग्जैक्टली वेर आई एम. सो आई एम गोना सेव माई बैटरी माई फोन टू एंड आई एम नॉट इवन कैरिंग माई आई पैड. आई डोंट नो व्हाट आई एम गोना डू फॉर द नेक्स्ट 2 hours. बट एनी वे पापा हैज रीच एंड ही हैज टोल्ड मी अ लैंडमार्क जहाँ पे मेरे को जाना है. सो आई एम जस्ट वॉकिंग. सो आई विल हैव टू स्टॉप व्लॉगिंग फॉर अनदर 2 minutes एंड आई एम जस्ट गोना वॉक स्ट्रेट अप टू हिम एंड मैं आप लोगों को कार में जब बैठती हूँ ना फिर बात करती हूँ. भाई कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. पापा समझ नहीं पा रहे हैं मुझे या मैं पापा को समझ नहीं पा रही हूँ. बट हम कोशिश कर रहे हैं. अब मैंने उनको एक लैंडमार्क दिया है कि भाई पापा यहाँ आ जाओ, क्योंकि पैदल मैं दो दो बैग्स के साथ कहीं जा नहीं पा रही हूँ ज़्यादा. So I've told him कि भाई यहाँ आ जाओ ना. लेट्स सी कितनी देर में वो आते हैं. ओके जी, फाइनली बहुत सारी कोऑर्डिनेशन के बाद हम लोग पहुँच गए. ये रे पापा, अभी वो ड्राइव करने में उनको मैं ध्यान देने दूंगी तो इसलिए हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे. बट फाइनली आई एम इन द कार एंड वी आर हेडिंग स्ट्रेट होम. सासू आया तो ऑलरेडी वेट कर रही है, आवाजें मार रही है हेलो. नमस्ते मम्मी, कैसे हो? भाई बिल्कुल ठीक. मम्मी लड़ रहे पापा से क्योंकि मम्मी ने बोला था आते हुए खाने को थोड़े से सामान लेके आना, पापा नहीं ले गया है. लड़ाई हो रही है, जाना चाहिए यही रुकना चाहिए. मैं एक्चुअली यही रुकती हूँ, चाय बनाती हूँ. चाय मम्मी ने ऑलरेडी रख दी है, मुझे सिर्फ उबाला दिलवाना है. ये 3 जनों की चाय है सिर्फ, इसमें से 2 कप निकलेंगे मेरे और पापा के, बाकी सारी चाय मम्मी की. ये बन गई भाई चाय, रख लिए हमने आटे के बिस्किट मेरे फेवरेट. ना मम्मी सही में मत, यहीं पे बैठना है मेरे को, मेरा मन ही यहाँ है बैठने का. मम्मी ना मेरे को इतना तो साफ पड़ा है. आ जाओ आप भी चेयर में बैठोगे आप?
मम्मी नीचे नहीं बैठेंगी, मम्मी बैठेंगी ऊपर। चलो आपको सबसे मिलवाती हूँ, बैठो आप। मम्मी हेलो बोल दो सबको। किसको बोल दिया तू? कैमरे को बोल दो बस आप हेलो, बहुत लोग आपको देख रहे हैं। तो ये है मेरी सासू माँ, बिल्कुल मेरे मम्मी जैसी, मेरी खुद की मम्मी से ज्यादा प्यार मेरा इनसे है। एंड और मम्मी आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं कुछ नहीं कहना चाहती, कुछ नहीं कहना चाहती मैं। ये लो कटोरी दे, मैं कटोरी दे, मैं कटोरी ना। हाँ तो ये एक कप अपने पापा के डाल दी क्या? नहीं तेरा पापा देखना शैतान से, बहुत काम में कैसे करता है। बिस्किट नहीं लेना? जिस दिन वो नहीं मकान से नहीं शिफ्ट करे हमने, वो भी निकू और तेरी। ये देखो कमल की फोटो लगी है, ये कमल है और ये कमल के बड़े हुए हैं, लगते छोटे हुए हैं पर बड़े हैं। और ये है मम्मी और पापा की जवानी की तस्वीर। मम्मी ओके, सो देयर इज अ लिटिल अपडेट एंड द अपडेट इज दैट आई एम नॉट रियली लीविंग दिस हाउस फॉर द नेक्स्ट 4 days टिल द टाइम आई एम इन दिल्ली, बिकॉज आई हैपेंड टू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू माई फादर इन लॉ एंड he was like it's your house and you're in this city, how can you live somewhere else? So I explained him the situation that what I feel, that you know I would not be able to spend a lot of time with you. So he said it's okay, we are not expecting you to sit with us forever, you can go do your work, come back home if you want to just edit, like choose a room in the house and just sit wherever you want to and start editing your videos. It's okay, we're not expecting much, but we at least expect you to be in this house till the time you're in Delhi. And that made me thinking he's right and I should do as he's suggesting. And I'm in the bathroom right now explaining you guys the situation. So abhi main chalti hu, freshen up hoti hu, main tab se aise hi ghoom rahi hu, I've not even taken bath wapas aake because I was just sitting with them. So now I'm gonna get fresh and again get back to them, spend some time with them, and I'll see you guys in the morning. So I will be now signing off from this video. Thank you so very much guys, let me know in the comments aapko vlog kaisa laga, and I'll see you in my next one. Bye bye guys.